फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल JEE मल्टीवर्स। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट से बिल्डअप क्वेश्चन नंबर 13 पाथफाइंडर बुक से। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन। काफ़ी सिंपल सवाल पढ़ के लग तो रहा है, पर काफ़ी लोगों को इसमें देख कर डर लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, तो काफ़ी लोग ऐसा करेंगे कि इन दोनों को इग्नोर मार लेंगे और सिर्फ ऐसे ऐसे सीरीज पैरेलल कर देंगे, पर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिमेट्रिकल नहीं है, इस पर 1, 2 और 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3, 2 और 1 है। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल होता तो इधर 1, 2 और 3 होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, पर इसमें सिमेट्रिकल नहीं है तो इसमें कैसे करें। तो अगर आप ऐसे करना चाहेंगे कि इधर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, कुछ 10 वोल्ट या 100 वोल्ट की बैटरी मान लो, फिर पोटेंशियल लिखो, काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी लंबा होगा, टाइम वेस्ट बहुत होगा। तो अगर आपको छोटा तरीका चाहिए तो वो है, तो इसमें क्या करेंगे देखो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हमारा कि स्टार डेल्टा कनेक्शन, कि अगर ऐसी सर्किट हो कोई, अगर ऐसी कोई सर्किट हो, इसको ऐसे सर्किट में कैसे कन्वर्ट करें, और ऐसी सर्किट हो तो इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करें, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। स्टार डेल्टा कनेक्शन जी मल्टीस में जाके प्लेलिस्ट है, और अगर नहीं मिला तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसकी लिंक है। ठीक, तो इसमें आपको लग रहा होगा इसमें कहाँ ऐसा कुछ बन रहा है, तो अब इसको मैं ध्यान से रीड्रॉ करता हूँ। तो देख लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट भी ए ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तार से जुड़ा हुआ, और ध्यान से देखें कि ये और ये इनका कॉमन पॉइंट ए है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि इसको ऐसे 1, 3 ये ए हो जाएगा, और इसको ऐसे ये 2 हो जाएगा, फिर बाकी को ऐसे 2, फिर बाकी को 2, फिर बाकी को ऐसे ये 2 हो जाएगा, और इसको वापस ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी, तो अभी हमको इधर दिख रहा है कि ये डेल्टा कनेक्शन को दिख रहा है, ये डेल्टा कनेक्शन को दिख रहा है, इसको हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं सी और डी मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं ई और एफ। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये हमारा ACD जो है, ACD जिसमें ये 1, 2 और 3, उसको मैं ऐसे कन्वर्ट करने वाले हैं कि ए सी और डी तो वैसे के वैसे ही रहेगा, पर इसमें एक मिनट इसको मैं अच्छे देखा, इसमें क्या हो जाएगा, 3 रेजिस्टेंसेस ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो अगर आपको याद होगा कि अगर ऐसा इसमें मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा, तो अगर ये इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको मैं R2 मान लेता हूँ, इसको मैं R3 मान लेता हूँ, तो R1 अगर हमको ये निकालना है, तो उसमें मैंने बताया, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो बाजू वाले दो रेजिस्टेंसेस होते हैं उसका प्रोडक्ट करके नीचे तीनों रेजिस्टेंस का सम। तो R1 अगर हमको लिखना है क्या लिखेंगे, इसके बाजू वाले कितने, 3 और 1, तो 3 × 1 अपॉन 3 नीचे सबका सम कर देंगे, यह आ जाएगा दोस्तों कितना, 1/2 आ जाएगा। ठीक, जैसे फिर हमको वैसे R2 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 वो ये वाला हो जाएगा, R2 कौन सा माना है हमने, ये वाला माना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके दो बाजू वाले का प्रोडक्ट नीचे सबका सम, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा अपॉन 6 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1/3, सिंपल। और R3 हमको अगर चाहिए, तो ये R3 है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे ये दोनों का प्रोडक्ट नीचे सबका सम, तो 3 × 2 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है बेसिक, तो 6/6 कितना हो जाएगा, 1 हो। तो बेसिकली हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया है कि अगर इसको ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये R1 कितना आ जाएगा, 1/2, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो हमने इसको सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया है ऐसे में, उसका क्या फ़ायदा होगा आपको आगे समझ में आ जाएगा, पर सबसे पहले उसके पहले हम BEF को भी कन्वर्ट कर लेते हैं स्टार में। ठीक है, BEF को भी हम स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ सिनेरियो है, ये बी है, एक मिनट, ये ई है और ये एफ है, और इसमें है 3, 2 और 1। ठीक है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं 3, 2 और 1। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, इसको ये बी ई और एफ तो वही के वही रहेंगे, पॉइंट्स तो वही के वही रहेंगे, पर ये कॉमन पॉइंट पे ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस ऐसे जुड़ जाएंगे, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, सेम फॉर्मूला
फिर से अंदर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि ये आर वन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे सबका सब। और अगर उल्टा करना है तो भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं, उल्टा करना है तो भी उस वीडियो में है ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/6 1/2। आर टू चाहिए तो आर टू ये है, तो इसमें भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 6/6 1। और आर थ्री चाहिए तो आर थ्री भी क्या हो जाएगा, आर थ्री ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 2 × 1 2 होता है, 6/6 यानी कि 1/3। इसमें कैसे आ गया, इसमें कैसे आ जाएगा, आर वन कितना आ जाएगा हमारा 1/2, ये 1 आ गया और ये 1/3 आ गया। अभी इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, दिखते जाइए आगे। तो ये चीज़ हो गई, तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं इसी सेम जगह पे, बी ई एफ को सेम जगह पे देखते चलिए। तो इसके पहले मैं सबसे पहले सी ई डी एफ बना लेता हूँ, एक मिनट। ये सी था, ये ई था, ये 2 था, ठीक है, और ये भी डी था और ये भी 2 ही था, ठीक है। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। अभी ए सी और डी में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो वो अभी हम वैसा कर देंगे। देखो दिया जाएगा क्या था इसमें, 1/2 1/3 और 1, ये आ जाएगा हमारा 1/2 1/3 और 1, ठीक। और इसमें बी ई एफ में कैसा आ जाएगा, 1 1/2 और 1/3, एक ऐसा है, एक ऐसा है इसमें और एक ऐसा है, ये 1 1/2 और 1/3, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। तो अभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, इसको अभी मैं सी ई और सबको हटा देता हूँ। अभी इसमें क्या कर हो जाएगा, इन एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं। अभी इसमें क्या करेंगे हम कि इन सब का सीरीज़ हो जाएगा, 2 1/3 और 1 का, इन सब का भी सीरीज़ हो जाएगा। तो बेसिकली ये 1/1 मिनट ये हो जाएगा 1/2, इन सबका सीरीज़ करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा 10/3, फिर इसका भी सीरीज आ जाएगा 10/3, ये आ जाएगा 1/2, ये था ए, ये था बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 फिर से, अभी तो बच्चों का खेल है पता ही होगा, अभी तो 5/3 आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, ये ए है और ये बी है। तो अभी तो एकदम सिंपल हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सबका सीरीज करेंगे तो आर ए बी का इक्वल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8/3 ओम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सिर्फ आपको ये कनेक्शन आना चाहिए, ये मैंने बहुत ही लंबे तरीके से लिखा है, अगर आपको ये आता होगा तो आपको 2 सेकंड में ही हो जाएगा पूरा कॉन्फिगरेशन लिखने में, और बाकी तो बच्चों का खेल ही था, ठीक है। तो किसी ने एक बार कमेंट पूछा था कि अगर डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना हो तो उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो वही एग्जांपल ये है कि अगर ऐसा कोई आ जाता है कॉन्फिगरेशन तो उसको हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने में बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।